और अगली खबर गोंडा से, जहां पर देहात कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। कोतवाली पुलिस ने स्वाट टीम की मदद से वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश कर गैंग के 4 सदस्यों को अरेस्ट कर लिया है। जिले के नवाबगंज इलाके के रहने वाले 2 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चोरी की 4 बाइक और नकदी बरामद की गई है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त चंदन भारती पर वाहन चोरी समेत लगभग 12 मामले दर्ज है। आज दिनांक 19 अप्रैल 2024 को थाना कोतवाली देहात द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए 2 शातिर अंतरजनपदीय मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 4 मोटरसाइकिल एवं 1,000 रुपये नकद बरामद किया गया है। थाना कोतवाली देहात पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उन्नाव के बीघापुर में प्राथमिक विद्यालय दादामऊ में एक स्कूल से टीचर का वीडियो सामने आया है। प्रिंसिपल संगीता सिंह पर आरोप है कि वो पढ़ाने के बजाय रसोई घर में फेशियल करा रखी थी। सजने संवरने में मशगूल टीचर का वीडियो बनाना असिस्टेंट टीचर को महंगा पड़ गया। वीडियो बनाने से नाराज होकर हेडमास्टर ने पीट पीट कर टीचर को लहूलुहान कर दिया। पीड़ित टीचर ने प्रिंसिपल की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। आप बीती सुनाई और पीड़िता ने प्रिंसिपल के खिलाफ बीघापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने मेडिकल कराकर गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वेरी गुड। जानिए है, संघ शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है। जांच आख्या प्राप्त होते ही उसके आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। 18/4/24 को थाना बीघापुर के ग्राम दानामऊ में प्राथमिक विद्यालय की सहायक अध्यापिका द्वारा थाना बीघापुर पर तहरीर सूचना दी गई कि आज विद्यालय की हेडमास्टर विद्यालय में अपना फेशियल करा रही थी, जिससे प्राथमिक ने मना किया, जिस पर हेडमास्टर ने प्राथमिक के साथ मारपीट की। थाना बीघापुर पुलिस द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बंगाल सरकार पर निशाना। बंगाल में हुई हिंसा पर बोले सीएम योगी, बंगाल की कानून व्यवस्था कमजोर है। रामनवमी के दिन बंगाल में हिंसा हुई थी, जिसे लेकर बंगाल सरकार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा है और कहा है कि बंगाल की कानून व्यवस्था कमजोर है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया। वेस्ट बंगाल की TMC की सरकार के कारण वहां पे रामनवमी के जलूसों पर ठीक कर रहे थे, इसी दौरान पीछे से आ रही ट्रक ने टक्कर मार दी और मृतकों में 4 महिलाएं हैं। 2 घायलों को सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। करीब 4:30 बजे इनका ट्रैक्टर खराब हो गया था, जिसमें वो ठीक कर रहे थे, तो पीछे से एक ट्रक ने इनको टक्कर मार दी, जिसमें ट्राली पलट गई। उसमें जो लोग बैठे थे, उसमें औरतें, बच्चे और कुछ आदमी थे, जो पलटने के बाद काफ़ी लोग घायल हो गए। उसमें 3 महिलाओं की मौके पर मृत्यु हो गई थी, जिन्हें मोर्चरी भेजा गया है। लगभग 23 लोग घायल थे, जिसमें से 11 लोगों का उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। हापुड़ में साड़ी की दुकान में भीषण आग लग गई। एहतियातन तौर पर आसपास की दुकानों को खाली कराया गया। दमकल की टीम मौके पर पहुंची, आग बुझाने की कोशिश जारी है। हादसा हापुड़ शहर के गोल मार्केट में हुआ। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो आग लगने की कई घटनाएं सामने आई है। गाजियाबाद, झांसी और संभल, 3 जगहों पर आग लगने की घटना देखने हैं।